और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। 1380.10 करोड़ थी जो 15-16 में बढ़कर के 91,401.19 करोड़ हो गई। यही नहीं, प्रदेश के अंदर जो हमारे पीएसयूज हैं इन पे जो ऋण था 11-12 में था 35,952.78 करोड़, जो 15-16 में बढ़कर के 75,950.29 करोड़ हो गई। पब्लिक सेक्टर के जो यूटिलिटीज थे प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में रोजगार के लिए और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में इनकी अत्यंत बड़ी भूमिका हो सकती थी, लेकिन इन 12-15 वर्षों के दौरान मुझे ये बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि प्रदेश के सभी पीएसयूज बंद हो चुके हैं। ये प्रदेश के अंदर एक गैर जिम्मेदार, भ्रष्ट और जन विरोधी सरकारों के प्रमाण को पुष्ट करता है। साथ ही प्रदेश के अंदर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को किस रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, किस रूप में आपके सामने है। प्रदेश के अंदर 31 मार्च 2007 को जो प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता थी वह 1,35,000 करोड़ रुपए थी, जो 31 मार्च 2017 को बढ़कर के 3,75,000 करोड़ रुपए हो गई। यानी 10 वर्ष में प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता थी यह लगभग 2.5 गुना से अधिक हुई है। जो राजकीय जो प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा था वह 3% से अधिक रहा है, अथवा पिछली सरकारों ने विकास के कार्यों में व्यय होने वाले मद को कम करके उसको 3% के आसपास रखा, यानी विकास के कार्यों को ठप करके, यानी अपनी फिजूल खर्ची, अपने भ्रष्टाचार और अनावश्यक जो योजनाएं जिनका लोक कल्याण से, जन कल्याण से, प्रदेश के विकास से मतलब नहीं था, उनमें कमी नहीं की, विकास की योजनाओं में कमी की, भ्रष्टाचार को अंकुश नहीं लगाया। प्रदेश में विकास की योजनाओं पर अंकुश लगाया गया और फिर उसको राजकोषीय घाटे को संतुलन बनाने का एक शरारतपूर्ण प्रयास भी इस दौरान हुआ है। ये सब बातें इस बात का द्योतक हैं कि जनता के प्रति जवाबदेह जो सरकारों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी और इसके लिए जो असाधारण संवेदनशीलता का परिचय देने की आवश्यकता सरकारों की होनी चाहिए थी, उसकी बजाय असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देना, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे करके प्रदेश में एक अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास इन 12-15 वर्षों के दौरान प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किया गया। पिछले 6 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार कार्य कर रही है, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हम लोगों ने जो कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं
छह महीने के अपने लेखा जोखा को लेकर के इससे पहले हम लोग आपके बीच आए, हम लोगों ने उचित समझा है कि श्वेत पत्र की एक प्रति बहुत संक्षिप्त में, मैं जानता हूं कि विस्तृत रूप से अगर आपके सामने रखेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में देखने में कठिनाई होगी, इसलिए संक्षिप्त में ही हम उसको आपके सामने रखें। और इसलिए अपनी उस जवाबदेही का परिचय देते हुए हम लोगों ने एक प्रति आपके सम्मुख आपके अवलोकनार्थ रखी है और हम विश्वास व्यक्त करेंगे कि आप लोग इसका अवलोकन करके पिछली सरकारों की गैर जिम्मेदाराना भ्रष्ट कार्य प्रणाली और अलोकतांत्रिक क्रियाकलापों को आप आम जनमानस के बीच में रखने में सहयोग करेंगे। मुझे यही कहना था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, हम तो अपने छह महीने की उपलब्धियों को लेके भी आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आज इसको पढ़ लीजिए, कल हम उसको लेके आ रहे हैं। है, है? हाँ, दो हजार तीन के बाद से 2017 तक प्रदेश में जो सरकारें थी उन्हीं के लेखा जोखा को हमने आपके सामने रखा है, आप उससे पहले के भी आंकड़ों को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 2003 और 17 के बीच में क्या कुछ हुआ है, मैंने तो आपको अभी एक उदाहरण केवल प्रदेश की ऋणग्रस्तता का केवल 5 वर्षों का और 7 वर्षों का 10 वर्षों का दिया है, तो इन 10 वर्षों में 2.5 गुना बढ़ जाना क्या साबित करता है? वो 2003 की बात भी नहीं किया मैंने, 2007 से भी बात की, आंकड़े मैंने 2007 के भी दिए आपको। हाँ, ये चल रहा है, हम लोगों ने आपके सामने रखा है ना इसको, अभी इसलिए हम लोगों ने रखा है कि लोकायुक्त ने क्या टिप्पणी की है, सीएजी ने कहां पर क्या टिप्पणियां की हैं, क्योंकि ये सब रिपोर्ट विधानमंडल में आएंगी, उसके बाद उसके लिए कमेटी गठित होकर के आगे की कार्रवाइयां भी होंगी। देखिए, जो भी चीजें होंगी आगे की होंगी, आज जो मैंने आपके सामने रखा था आप इसको एक बार अवलोकन कर लें। देखिए, मेरे सामने चुनौती क्या है क्या नहीं है उसको लेकर जब मैं उपलब्धियों के साथ आऊंगा वो चीजें भी आपके सामने आ जाएंगे। और इन छह महीनों में केवल इस श्वेत पत्र को लेकर के आपके बीच नहीं आया हूं, हमें 6 महीने का कार्यकाल हमारा कल पूरा होगा, इसलिए 6 महीने के एक दिन पहले श्वेत पत्र को लेकर के आए हैं और कल या परसों हम लोग अपने 6 महीने की उपलब्धियों को लेकर के आपके सामने आएंगे। मुझे आपसे यही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका जिक्र यहां पर किया योगी आदित्यनाथ ने और खास तौर पर यह बात उन्होंने कही कि भ्रष्टाचार की वजह से कैसे पीएसयूज बंद हुए, किसानों की का जो कर्ज है वो 10 सालों में 2.5 गुना बढ़ गया, तो ये जो विफलताएं थी पिछले सरकारों की उसकी कलई खोल दी आज योगी आदित्यनाथ ने। 12-15 सालों में प्रदेश के सभी पीएसयू बंद हो गए, 91,000 करोड़ का नुकसान हुआ, भ्रष्ट और जन विरोधी सरकार थी पिछली सरकारें। और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी कल गिनवाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।